Hello friends, welcome to English Vocabulary Tricks. This is B letter part 1. Sorry, B letter part 2. I already uploaded B letter part 1. If you want to watch, please go to playlist. So friends, my target is 3000 vocabulary. You will remember the targets with mnemonic tricks. So after 2000 vocabulary, already I have 800 vocabulary uploaded. Which is 800 vocabulary. That is M letter, P letter and D letters vocabulary. सारे का सारे जो सीरीज है वो सारे मैंने कवर अप कर चुका हूँ मैं उसके, ठीक है। तो अगर आपको याद करना है तो प्लीज़ इसे प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो याद करने की मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ क्या है कि जो एमनेमोनिक ट्रिक्स है वो मैं आपको तो कवर कराऊंगा, बट आपको क्या करना है कि आपको जो भी सारे जो भी वीडियो है ना पोस्ट करके आप वीडियो को स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। ये सारे जो वोकैबुलरी है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ना हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन इसको आप रिवाइज करते रहना। ऐसा क्या होगा ना कि आपको आगे याद करते जाओगे और पिछला ना भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। अगर हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन में आप मोबाइल से या स्क्रीनशॉट लेकर आप रिवाइज करोगे तो क्या होगा ना कि तुम पिछला नहीं भूलोगे और आगे बढ़ते ही जाओगे। तो ये बेस्ट तरीका है स्क्रीनशॉट लेकर याद करने का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट माय फर्स्ट वोकैबुलरी इज बेयर फेस्ड। बेयर फेस्ड में होता है अकड़, ठीक, जिस कहते हैं कि इसके अकड़ जिसमें ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं एयर फे बेयर फेस। तो इसके सिनोनिम्स है ऑडेशियस और इंसोलेंट। तो शोइंग दैट यू डोंट केयर अबाउट ऑफेंडिंग समबडी और अबाउट बिहेविंग बैडली उसे बोलते हैं बेयर फेस्ड। तो इसको याद करने के देखो एमनेमोनिक ट्रिक्स है, बियर पी के फेस पे गाली देता है। अगर मान लो कि दो फ्रेंड्स हो, ठीक है, दो फ्रेंड्स में अगर आपका एक जो फ्रेंड्स हो क्या करता है काफ़ी विनम्र स्वभाव का है, बट वो क्या करते हैं जब बियर पीने के बाद क्या करता है आपके फेस पर, ठीक है, फेस टू फेस क्या करता है गाली देता है। तो क्या है वो बियर फेस मैन है, मतलब क्या है काफ़ी अकड़ू टाइप का बंदा है। तो देखो बियर पी के फेस मतलब बियर और फेस और बियर फेस्ड बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स। तो इससे आप बियर फेस का जो मीनिंग है वो आप रिमेंबर कर सकते हो बाय दिस एमनेमोनिक ट्रिक्स। सो नेक्स्ट वोकैबुलरी इज बार्ड। बार्ड मींस होता है कवि, ठीक है। तो इसको पोइट अ पर्सन हु राइट्स पोएम उसे बोलते हैं बार्ड। तो याद करने की इसको एमनेमोनिक ट्रिक्स है, देखो इसको जो सिनोनिम्स है आप वीडियो को पुश करके ना इसके जो सिनोनिम्स है और एग्जांपल्स आप इसको देख लेना, ठीक है। अगर मैं इसको आप कराऊंगा तो काफ़ी लेंथी वीडियो बन जाएगी इसलिए मैं आपको करा नहीं रहा। तो इसके जो सिनोनिम्स है कंपोजर, आपको पता है कंपोजर जो एक फिल्म को जो कंपोज करता है उसी को बोलते हैं कंपोजर। तो बार्ड मीन्स कवि होता है। तो उसके बाद करने की एमनेमोनिक ट्रिक्स है, हमारे बार्ड जो मतलब हमारे कवि, ठीक है, हमारे बार्ड बर्ड्स पर पोएम लिखते हैं, मतलब जो हमारे बर्ड्स है मतलब जो हमारे जो कवि है किस पर पोएम लिखते हैं वो बर्ड्स पर पोएम लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप रिमेंबर कर सकते हो। तो बर्ड से आप क्या याद रखोगे बार्ड याद रखोगे, ठीक है। तो बर्ड और बार्ड बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स। सो नेक्स्ट वोकैबुलरी इज बार्डेज। बार्डेज मीन्स होता है गोलीबारी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बार्ड बारेज बारेज, ठीक है, बी ए डबल आर ए जी ई बैरेज। बैरेज मीन्स होता है गोलीबारी। तो याद करने इसको एमनेमोनिक ट्रिक्स है, देखो बारात में बैरेज होता है मतलब बारात में क्या होता है गोलीबारी होती है। तो बारात और बैरेज बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स। सो आप बारात से बैरेज वर्ड याद कर सकते हो, ठीक है। तो बारात मतलब बैरेज मीन्स गोलीबारी करना। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज बारबेक्यू सॉरी बारोक्यू। बारोक्यू मीन्स होता है अलंकृत, यूज्ड टू डिस्क्राइब यूरोपियन आर्किटेक्चर एंड आर्ट्स एंड म्यूजिक ऑफ 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी दैट हैज अ ग्रैंड एंड हाईली डेकोरेटेड स्टाइल उसे बोलते हैं बारोक्यू। तो याद करने की इसका मनेमोनिक ट्रिक्स है, तो बराक ओबामा का व्हाइट हाउस कैसा है बारोक्यू है, मतलब जो बराक ओबामा का आपको पता है ये प्रेसिडेंट है यूएस के, ठीक है। तो बराक ओबामा का जो व्हाइट हाउस है कैसा है बारोक्यू है, मतलब कैसा है वो काफ़ी अलंकृत है। तो बराक ओबामा और बारोक्यू बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स। तो आप ऐसे बराक ओबामा को याद करके उनका जो व्हाइट हाउस है कैसा है बारोक्यू है, मतलब काफ़ी अलंकृत है। सो नेक्स्ट वोकैबुलरी इज बार्टर। बार्टर मीन्स होता है वस्तु विनिमयता उसे बोलते हैं बार्टर, टू ट्रेड बाय एक्सचेंजिंग वन कमोडिटी फॉर अनोदर उसे बोलते हैं बार्टर। तो याद करने की इसको एमनेमोनिक ट्रिक्स है, वाटर को बार्टर करते हैं, मतलब क्या करते हैं वाटर को बार्टर करते हैं मतलब एक्सचेंज करते हैं। तो बार्टर का आपको पता है कि पुराने जमाने में क्या होता था,
मनी तो थी नहीं, लोग अपना सामान दूसरों को और दूसरों का सामान अपने को लेकर अपनी एक दूसरे की जो इच्छा होती थी वो आपस में पूरी करती थी। उसे बोलते थे बार्टर, मतलब वस्तु विनिमयता। तो ट्रेड मतलब क्या, व्यापार करना, बाय एक्सचेंजिंग वन कमोडिटी फॉर अनोदर, उसे बोलते हैं बार्टर। तो याद करने का मनीमोनिट्रिक से देखो, वाटर को बार्टर करते हैं, मतलब वाटर को क्या करते हैं, बार्टर करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं वन अकोमोडिटी फॉर अनोदर पर्सन। तो वाटर और बार्टर बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स। तो नेक्स्ट वोकैबुलरी इज फ्रेंड्स, ये थोड़ा हैंग होगा। सो नेक्स्ट वोकैबुलरी इज बैटेड। बैटेड मीन्स होता है घटना या कम होना, उसे बोलते हैं बैटेड। तो इसको याद करने की एमनेमोनिक ट्रिक्स है। तो बैटिंग देखते हैं वेद बैटेड, मतलब बैटिंग जो देखते हैं कैसे, वेद बैटेड मतलब काफी कम हो गए, कम घटना, उसे बोलते हैं। तो देखो, वेद बैटेड ब्रेथ हस्बैंड एंड हश एंड टेंस वेद एक्साइटी एक्साइटमेंट फियर और एनशीटी। तो वैसे ये जो बेटेड है, बेटेड का मतलब होता है कम होना या घटना, उसे बोलते हैं बेटेड। तो इसके जो ट्रिक्स है ना, कुछ ढंग की बन नहीं पाई, ठीक है, अगर आप बना सको तो आप बना लेना, ठीक है। तो बैटिंग देखते हैं वेद बैटेड, मतलब बैटिंग जो देखते हैं कैसे, वेद बैटेड मतलब कम होके घट के देखते हैं, ठीक है। तो इसको रट लेना, ये एग्जाम में आता है, इसलिए इस वोकैबुलरी को मैं कवर कर रहा हूँ, वरना मैं कवर नहीं करता, क्योंकि ट्रिक इसकी अच्छी बन नहीं पाई है, ठीक है। तो आप इसको रट लेना। तो नेक्स्ट वोकैबुलरी इज बास्क। बास्क मीन्स होता है धूप सेकना, आनंद उठाना, उसको बोलते हैं बास्क। तो याद करने के इसके एमनेमोनिक ट्रिक से देखो, विपाशा बासु बास्क करती है, मतलब जो विपाशा बासु जो हीरोइन है क्या करती है, वो बास्क करती है, इंजॉय करती है, मतलब क्या करती है, बास्क करती है, मतलब क्या करती है, धूप सेकती है और आनंद उठाती है, उसे बोलते हैं बास्क। तो इसका देख लो, बास्क इन समथिंग्स टू इंजॉय सिटिंग और लाइंग इन द हीट और लाइट ऑफ समथिंग्स, तो स्पेशली द सन। आपको पता है जो समुद्र के किनारे काफी लोग आफ्टर बास्क क्या करते हैं, वो चेयर पे बैठ के जो धूप का आनंद उठाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी वर्ड है बास्क, मतलब धूप सेक कर क्या करना, एंजॉय करना, उसे बोलते हैं बास्क, ठीक है। तो वहीं से आप देख लो, तो विपाशा बासु बास्क करती हैं और इंजॉय करती हैं, ठीक है। तो विपाशा बासु से आप क्या याद रख लेना, हमेशा बास्क याद रख लेना। तो बासु और बास्क बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है। तो धूप सेकना या आनंद उठाना कहाँ पर, सनलाइट या किसी हीट में आनंद उठाना, उनकी हीट का आनंद उठाना या सनलाइट का जो लाइट होता है उसका आनंद उठाना, उसी को बोलते हैं बास्क, ठीक है। तो नेक्स्ट वोकैबुलरी इज बॉबल। बॉबल मीन्स होता है सस्ता आभूषण या तुच्छ वस्तु, उसको बोलते हैं बॉबल। अ पीस ऑफ ज्वेलरी दैट इज चीप एंड हैज लिटल आर्टिस्ट वैल्यू, से बोलते हैं बोबल। तो याद करने की इसको मनीमोनिक से, बेटी को दहेज में बोबल दिया, मतलब बेटी को दहेज में क्या दिया, सस्ता आभूषण दिया या तुच्छ वस्तु दिया, उसे बोलते हैं बोबल। अ पीस ऑफ ज्वेलरी दैट इज चीप एंड हैज लिटल आर्टिस्ट वैल्यू, उसे बोलते हैं बोबल। तो बेटी को दहेज में बोबल दिया, मतलब क्या दिया, सस्ता आभूषण या तुच्छ वस्तु दिया। तो बोबल और बेटी बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स। आपको पता है जो ट्रेडिशनल जमाने में, या अभी भी तो होता ही है, लोग एक दूसरे को दहेज देते हैं, ठीक है। तो दहेज में क्या होता है कि बेटी को आपने क्या किया, दहेज में क्या किया, बोबल दिया, मतलब काफी सस्ता आभूषण दिया, ठीक है। तो उसको आप याद कर सकते हैं विद एनी मोनिट्रिक्स। सो नेक्स्ट वोकैबुलरी इज बीटीफिक। बीटीफिक मतलब होता है आनंद प्रस्त। तो शोइंग ग्रेट इंजॉय एंड पीस, उसे बोलते हैं ब्यूटिफिक। तो याद करने के इसको एनिमोनिट्रिक्स है, ब्यूटीफुल बेटी को देख के, ब्यूटीफुल बेटी को देख कर क्या हो गया, ब्यूटिफिक हो गया, मतलब क्या हो गया, काफी आप आनंद प्रस्त हो गए। तो शोइंग ग्रेट इंजॉय एंड पीस, उसे बोलते हैं ब्यूटिफिक। तो ब्यूटीफुल बेटी को देख कर क्या हो गया, ब्यूटिफिक हो गया। तो ब्यूटीफुल और ब्यूटिफिक बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स। तो जैसे आपका एग्जाम आएगा ब्यूटीफुल, तो आप ब्यूटीफुल से क्या रख सकते हो, तो रिलेट ब्यूटिक, ठीक है। तो ब्यूटिफिक। तो नेक्स्ट वर्ड इज बॉडी। बॉडी मीन्स होता है अश्लील, ठीक है, उसे बोलते हैं बॉडी। तो याद के लिए इसको एमनेमोनिक ट्रिक्स है, इसके पहले मैं आपको बताता हूँ इसका जो मीनिंग है। तो वल्गर लाउड एंड डीलिंग
वेज सेक्स इन अम्यूजिंग वे, उसे बोलते हैं बॉडी, बॉडी मीन्स अश्लील। और रोंचे भी काफ़ी कई बार एग्जाम में आ चुका, ठीक है, रोंचे भी आप रिमेम्बर रख लेना। तो इसको याद करने के लिए मोनिटर से देखो, बॉडी दिखाने वाला फैशन क्या है, अगर बॉडी दिखाने वाला फैशन क्या है, बॉडी है, मतलब क्या है? अश्लील है। तो अभी तो यहाँ पर शाहरुख खान दिखा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे मान लो कोई हीरोइन दिखाती है अपनी बॉडी, तो क्या है वो? अश्लील है। मतलब बॉडी दिखाने वाली जो फैशन है क्या होती है? वो बॉडी होती है, ठीक है। तो बॉडी और बॉडी बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स, तो आप बॉडी से आप बॉडी याद रख सकते हो, ठीक है। तो अश्लील। सो नेक्स्ट वोकैबुलरी इज बैड, बैड रेग, बैड रिग, बैड रेज, BED, बैड, RAGGLE, बैडरेगल, ठीक है। बैडरेगल मीन्स होता है बिखरा हुआ या गंदा, उसे बोलते हैं बैडरेगल। तो मेड वेट डर्टी और अनटाइडी बाय रेड और मड, उसे बोलते हैं बैडरेगल। सो याद करने इसके हमने मोनिटिक्स है, बेड और रजाई गीला हो गया, तो क्या हो गया? बैडरेगल हो गया, मतलब क्या हो गया? वो गंदा हो गया। तो बेड और रजाई और बैडरेगल बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स, तो बेड और रजाई से आप बैडरेगल का जो वोकैबुलरी है वो आप रिमेम्बर कर सकते हो, ठीक है। तो बैडरेगल और बेड और रजाई बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स। तो देखो, बेड और रजाई गीला हो गया, तो क्या हो गया? बैडरेगल हो गया, मीन्स क्या हो गया? बिखरा हो गया और गंदा हो गया, ठीक है। तो बेड और रजाई और बैडरेगल बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स। सो नेक्स्ट वोकैबुलरी इज बेडिजन, बेडिजन मीन्स होता है तड़क भड़क से सजाना, उसे बोलते हैं बेडिजन। टू ऑर्नामेंट और ड्रेस इन आर शोली और गोडी मैनर, उसे बोलते हैं बैडरीजन। तो याद करने की एनिमोट्रिक्स है, देखो, किरण बेदी ने अपने जैन कार को बैडरीजन किया, मतलब किरण बेदी ने, ठीक है, अपने जैन कार को क्या किया? बैडरीजन किया, मतलब तड़क भड़क से उनका क्या, उनको सजाया, ठीक है। तो देखो इसको एग्जाम्पल है, सॉरी ये मीनिंग है, टू ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मीन्स होता है किसी को, किसी भी चीज़ को सजाना, उसे बोलते हैं ऑर्नामेंट। तो टू ऑर्नामेंट और ड्रेस इन शोली और गॉडी मैनर, उसे बोलते हैं सजाना, ठीक है। तो किरण बेदी और उनकी जो जैन कार है, आप याद सकते हो बेडीजन, तो बेदी और जैन, बेदी के पास क्या है? जैन कार है, ठीक है। तो उन्होंने इसको अपनी कार को कैसे सजाया? बेडीजन तरीके से सजाया, मतलब तड़क भड़क तरीके से सजाया। सो नेक्स्ट वोकैबुलरी इज बिलाइन, बिलाइन मीन्स होता है सीधा, मेक अ बिलाइन फॉर समथिंग समबडी, गो स्ट्रेज टुवार्ड सम थिंग्स और समबडी एज क्विकली एज यू कैन, तो उसे बोलते हैं बिलाइन। तो याद करने के देखो इसका निमोनिक्स है, बी की तरह एक लाइन में चलना, उसे क्या बोलते हैं? बिलाइन कहते हैं। तो बी की तरह एक लाइन में चलना बिलाइन कहते हैं, मतलब बिलाइन मतलब क्या होता है? सीधा। देखो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, जैसे कि पता आपको जो बीज होती है मधुमक्खी होती है, ठीक है, तो जो अपने जो चींटी होती है, मान लो चींटी होती है, चींटी आपको पता है जहाँ भी शुगर हो जहाँ भी मीठा हो वहाँ तक पहुँच जाती है। तो कैसे पहुँच जाती है? इसके पास एक, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक बहुत सारे यहाँ पर शुगर है, ठीक है, यहाँ पर एक चींटी, यहाँ पर दो चींटी, यहाँ पर तीन चींटी है, ठीक है। आपको पता है जो चींटी है उनकी जो स्मेलिंग पावर होती है ना, एक तो कम होती है, ठीक है, एक चींटी यहाँ पर है, ठीक है, अगर एक चींटी यहाँ पर है तो स्मेलिंग पावर सबसे कम होती है चींटी की। चींटी क्या करती है ना, यहाँ पर स्मेल करके तो उनको पता लग जाता है कि यहाँ पर क्या मीठा है, तो क्या करते हैं, एक चींटी यहाँ से जाती है। तो इसी के पीछे पीछे ना एक चींटी इसको देख के, इनको देख के और इनको देख के इनके पीछे हो जाती है। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो चींटी है ना, एक कहीं भी जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो क्या होती है, हमेशा एक लाइन में जाती है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो रिमेंबर, बी लाइन, बी मतलब मधुमक्खी होती है, तो मधुमक्खी कैसे जाती है? एक लाइन से जाती है, बी लाइन, तो बी लाइन में जाती है, तो क्या है वो? मधुमक्खी बी लाइन है, मतलब कैसी है वो? काफ़ी सीधी तरीके से जाती है। तो ये जो स्टोरी है आप रिमेंबर रख सकते हो, ठीक है, अपनी तरह से कोई भी स्टोरी बना सकते हो। तो बी लाइन मतलब जो मधुमक्खी है जो एक लाइन से जाती है, उसे क्या बोलते हैं? बी लाइन। तो नेक्स्ट वोकैबुलरी इज, सो फ्रेंड्स, इस वोकैबुलरी, इस वीडियो लेक्चर के अंदर कम से कम मैंने 10 वोकैबुलरी कवर कर चुका हूँगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो वोकैबुलरी है 10, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रिमेंबर करना है 3000 वोकैबुलरी, ठीक है, रेज एम निमोनिक ट्रिक्स, तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ना भूले, ताकि आपके लाइक से क्या होता है ना, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मुझे भी लगता है कि हाँ, जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आपके किसी न किसी काम के हैं, नहीं तो मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा और मेरे भी टाइम वेस्ट होगा और मेरी भी मेहनत खराब जाएगी। तो
इसे अब मैं नहीं चाहता, अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी पता लगेगा कि हाँ कि कैसा फीडबैक आ रहा है आपकी तरफ से। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।